ठीक है ठीक है, मैंने चैनल पे काफी सारे ग्राफिक कार्ड का रिव्यू करा है, बट ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ना, इट इज टोटली डिफरेंट। मतलब के एक बार को तो मैं भी देख के मतलब के चौंक गया था कि भाई ये आ कैसे गए मेरे पास। तो आज जिस ग्राफिक कार्ड का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ये है MSI के सुप्रीम एक्स वेरियंट्स। एंड गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत ज्यादा थिक एंड बहुत ज्यादा हैवी है। मतलब के मजा आ गया था देख के इनको, एंड वाइल्ड लिफ्टिंग भाई दो हाथ लगते हैं इसको उठाने के लिए, एक हाथ से मुश्किल है उठाना थोड़ा। तो आज इस वीडियो के अंदर अगर आपको थोड़े ज़्यादा महंगे शौक पालने हैं तो ये वीडियो महंगे शौक पालने के लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको दो ऐसे ग्राफिक कार्ड दिखाने वाला हूँ सुप्रीम एक्स वेरिएंट के अंदर, जो कि लिटरली गूज़बम्स खड़े करने लायक हैं। तो अगर आपको गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो एक बार आप मेरा चैनल देखिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। तो अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आज की वीडियो के लाइक एम के बारे में, जो कि है 3000 लाइक्स का लाइक एम। आई होप आप आराम से कंप्लीट करवा दोगे। एंड जो स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड आज मेरे पास है वो है MSI RTX 3090 सुप्रीम एक्स एंड MSI RTX 3080 सुप्रीम एक्स। ये जो ग्राफिक कार्ड है ना, पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूँ बॉक्स के अंदर से हमको क्या क्या देखने को मिलता है। ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, एक अलग से सैक ब्रैकेट देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको अभी वीडियो के मतलब के साइड बाय साइड बोल रहा हूँ तो दिखाता भी रहूँगा। बट मैं आपको इस ग्राफिक कार्ड के बारे में पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये जो ग्राफिक कार्ड है ना, ये नॉर्मल डिज़ाइन जो आता है MSI का ट्विन फ्रोजर डिज़ाइन, या फिर गेमिंग एक्स ट्रायो वाला डिज़ाइन आता है ना, उससे बहुत डिफरेंट है। थोड़ा सा इंस्पायरिंग जरूर लगता है बट उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बहुत सारे मामलों में। पहली बात तो ग्राफिक कार्ड इज सीरियसली बिग एंड फेरोशियस। हाँ, इसको बोल सकते हो बिग एंड फेरोशियस। बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा थिक ग्राफिक कार्ड है एंड बहुत ज़्यादा हैवी है। हैवी इसलिए है क्योंकि हीट सिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मोटी एंड थिक दी गई है फॉर बेटर हीट डिसिपेशन एंड बेटर कूलिंग। ऑब्वियसली बात है, इतनी मोटी हीट सिंक देने का फ़ायदा क्या है, कोई रीज़न तो होगा ना। तो यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है वो डिज़ाइन काफ़ी कम्प्लीटली डिफरेंट है। लगता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत R&D करी गई है डिज़ाइन के ऊपर। एंड जब आप इसे वीडियो में देख भी रहोगे तो आपको पता लगेगा कि डिज़ाइन इज काइंड ऑफ डिफरेंट। यहाँ पे जो मेजर पार्ट्स हैं ग्राफिक कार्ड के वो ब्रश्ड एल्यूमिनियम वाले यूज़ करे गए हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं इन हैंड्स एंड इन रियल, काफ़ी अच्छे दिखते हैं ये वाले पार्ट्स। यहाँ पे इस बार जो कूलिंग सॉल्यूशन यूज़ करा गया है, जो MSI अपने टर्म्स देता है, वो है ट्राई फ्रोजर 2S। एंड इसके अंदर जो फैंस है ना वो यूज़ करे गए हैं टॉक्स फैन 4.0। आई होप मैंने सही बोला हो, बिल्कुल सही। यहाँ पे यूज़ करे गए हैं टॉक्स फैन 4.0 या 4.0। एंड ये यहाँ पे एश्योर करते हैं कि आपको एक अच्छा सा एयर फ्लो एंड एयर प्रेशर, ये जो मतलब कि बहुत सेंट्रिक, काफ़ी अच्छे से एयर प्रेशर एंड एयर फ्लो जो है वो मेंटेन कर पाए, काफ़ी ज़्यादा क्या बोलेंगे उस सबको, फोकस्ड एयर फ्लो एंड फोकस्ड यहाँ पे आपको एयर प्रेशर प्रोवाइड कर पाए, जो कि काफ़ी अच्छा कूलिंग में फाइनली रिजल्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे कूलिंग सॉल्यूशन यूज़ करा गया। एंड मैं ऐसे बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाले जो ग्राफिक कार्ड है फुल लोड पे अपने 100% यूसेज पे किस टाइप के आपको टेम्परेचर देते हैं। इवन ये 3090 है बट जो टेम्परेचर आपको देगा ना, आप बोलोगे कि भाई क्या मतलब कि क्या मजाक चल रहा है क्या, सही में इतने बढ़िया टेम्परेचर देते हैं ना ये सारी चीज़ें मिलके, जो कि आपको सीरियसली शॉक कर देंगी। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे प्रीमियम चीज़ों के साथ यहाँ पे प्रीमियम कॉम्पोनेंट्स भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे पूरी PCB है उसके अंदर आपको काफ़ी प्रीमियम कॉम्पोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि श्योर करते हैं कि आप थोड़ी और फर्दर ओवरक्लॉकिंग कर पाओ इसके अंदर एंड आप थोड़ी और परफॉर्मेंस को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाओ। तो ये है वो सारी चीज़ें जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। वन मोर थिंग, RGB इज नेक्स्ट लेवल। आपको यहाँ पे बैक साइड पे एक MSI का ड्रैगन वाला लोगो मिलता है, जो कि काइंड ऑफ ज्वेल वाले फील में दिया गया है एंड वो बहुत सही लगता है सही में। आपको यहाँ पे बैक साइड पे जो दिखता है विंडो से उस वाली साइड पे एंड जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे अच्छे खासे RGB जोन्स मिलते हैं, जो कि इसको प्रॉपरली लिट अप करते हैं एंड एक्चुअली में बनाते हैं कि आपने कुछ पे करा है इसके लिए, अगर आप एक RGB लवर हो तो। तो ये सारी चीज़ें इस ग्राफिक कार्ड के बारे में। यहाँ पे हमको एक डेडिकेटेड सैक ब्रैकेट मिलता है, जो कि काफ़ी यूनिक है। एक उसका स्टैंड होता है, उसके ऊपर डंडा घुसाओ और फिर उसको मतलब कि वो बहुत बहुत सही है, वो बहुत प्यारा एंड काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट लगता है एक्चुअली में। एंड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस वो भी काफ़ी अच्छा रहा मेरा, मतलब कि बिल्कुल प्रीमियम पैकेजिंग, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पैक कर रखी थी एंड मज़ा आ गया अनबॉक्सिंग करते हुए। तो ये है एक ओवरव्यू। अब चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ, क्योंकि बिना बेंचमार्किंग के कुछ कंप्लीट होता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर बेंचमार्किंग करी है, शायद से मैंने साइबरपंक 2077
और शायद से मैंने यहाँ पे साइबरपंक 2077 भी खेल के देखी है, तो आप एक बार टेम्परेचर चेक करो एंड देखो कि कैसा ये परफॉर्म करता है एंड किस टाइप की इसकी फ्रीक्वेंसीज हिट करती हैं। तो अब चलते हैं सीधा बेंचमार्किंग की तरफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप के महंगे प्रोडक्ट्स हैं ये। देखो हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता, बट एक देखना एंड उसको एक्सपीरियंस करना ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। एंड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये ग्राफिक कार्ड मिला, मैंने इसको एक्सपीरियंस करा, क्या पता रखने को मिल जाए, होप सो। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे पर्सनली ग्राफिक कार्ड काफी पसंद है, काफी मतलब कि प्रॉपर मजेदार ग्राफिक कार्ड है, उस हिसाब से पैसे भी मजेदार होने वाले हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखना। बाकी ये था मेरा एक ओवरव्यू या फिर एक डिटेल तो नहीं था बट एक ओवरव्यू एंड रिव्यू बोल सकते हो आप। ये था मेरा रिव्यू काइंड ऑफ एंड ओवरव्यू ऑफ दिस सुप्रीम एक्स ग्राफिक कार्ड। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको Amazon से कुछ ही परचेज करना है तो नीचे दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।